संन्यास लेने के बाद पहली बार छलका गौतम गंभीर का दर्द। कह दी यह बात जानकर आपको भी लगेगा झटका। भारतीय क्रिकेट टीम पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर का संन्यास के बाद छलका का दर्द। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। इसके पीछे का कारण राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिल पाना बताया। गंभीर ने कहा कि जब राष्ट्रीय टीम में जगह ही नहीं मिलना तो फिर खेलते रहना और क्रिकेट खेलने को कोई तुक नहीं बनता। उन्होंने कहा, काश मैं 27 का होता लेकिन अब मैं 37 साल का हो चुका हूं। अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं रह गया। जब आपके रन आपको आगे नहीं ले जा पाते तो उनके खेलने का कोई तुक नहीं बनता। बेहतर होगा कि कोई युवा खिलाड़ी आगे आकर रन बनाए। भारत की में खेलने का सपना पूरा होगा लेकिन जब मुझे लगने लगा कि यह मेरा प्रयास मुझे आगे नहीं ले सकता और मेरी राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं बन सकती तो इसे जारी रखने का कोई फायदा नहीं है। आपको बता दें कि गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आखिर टेस्ट मैच 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उनका आखिरी में 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ था।